वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और एक ऐसा शो जहां पर हम ख्याल रखते हैं आपके पैसों का, आपकी कमाई का और आपके निवेश का। और इसी चर्चा में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए सही बैंक कौन सा है, या जिस बैंक में आपने अपने लिए बचत खाता खोल रखा है, जिस भी बैंक में आप ट्रांजैक्ट करते हैं, लेन देन करते हैं, क्या आपके लिए वो सही बैंक है। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आरबीआई की सख्ती कुछ बैंक और एनबीएफसीज को लेकर चुनिंदा मामलों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रेगुलेटर होने के नाते काफ़ी मुस्तैदी से कदम उठाए गए हैं। पूरा एक रोबोट सिस्टम जो कि हमारा बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी है, उसी का ये प्रमाण है कि इतनी अनिश्चितता अगर कहीं पर भी दिखाई दे रही है तो रेगुलेटर बिल्कुल हरकत में आ गया है। लेकिन ये जो हरकत में आए हैं हमारे रेगुलेटर और जिस तरह के मामले सामने आए हैं, ये आने वाले वक्त में आपको किन बातों के लिए तैयार कर रही हैं, ऐसी कौन कौन सी बैंकिंग सुविधाओं में कमियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने लिए सही बैंक का चुनाव कर पाएं, इसी तर्ज पे चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। एआर हेमंत कम्युनिकेशंस हेड बैंक बाजार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन पारेख बैंकिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पूरे मामले पर अपनी राय रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जिन हम कदमों की बात कर रहे हैं और आरबीआई की सख्ती की बात कर रहे हैं, एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि कौन कौन से मामले हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, किन पहलुओं पर आरबीआई ने जो है अपनी सख्ती दिखाई है। एक टाइमलाइन हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो कि ताज़ा टाइमलाइन से शुरू होगी, अप्रैल 2024 से हम शुरू करेंगे। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने को लेकर मनाही हो गई है, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक, यहाँ पर आरबीआई का सख्त कदम जो कि काफ़ी ताज़ा है। पिछले महीने उसके मार्च 2024 आईएफएल फाइनेंस पर रोक लगाई गई है। यहाँ पर गोल्ड लोन को लेकर जो है कुछ अनिश्चितताएं सामने आई हैं जिस पर सवाल उठे और बाद में नए गोल्ड लोन बांटने पर आरबीआई ने इन पर रोक लगाई। हमने मार्च में ही देखा जीएम फाइनेंशियल के शेयर और बॉन्ड के बदले लोन बांटने पर आरबीआई ने रोक लगाई है। और उसके पहले हमने जनवरी में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर आरबीआई की एक रोक सामने आती हुई देखी है। इसके अलावा नवंबर 2023 में अगर हम जाएं तो बजाज फाइनेंस पर इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोन बांटने पर आरबीआई की यहां पर रोक सामने आई है। और उससे पहले अक्टूबर में भी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई गई है। दिसंबर 2020 में हम जाएंगे, आप देख रहे हैं, आप इस बात पर गौर कीजिए कि आरबीआई कब से किस किस तरह की गतिविधियों पर जो है नज़र बनाए हुए रखे हैं। 2020 में एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई गई, डिजिटल लॉन्च पर रोक लगाई गई। 11 मार्च में हमने देखा 2022 को कि आरबीआई ने सभी प्रतिबंध को हालांकि हटा भी दिया है, वो एक अपडेट बाद में आती हुई मिली है। तो ये एक हमने टाइमलाइन दिखाई जिसके जरिए पता चला है कि कुछ कुछ मामलों में कैसे आरबीआई ने अपने कदम और हरकत में आने पर जो खाता धारक है उनके हितों के बारे में सोचा है। अश्विन सर, आपके पास आऊंगी सबसे पहले क्योंकि काफ़ी पैनी नज़र रहती है आपकी इस पूरे क्षेत्र पर। हमने जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र का विस्तार होता हुआ देखा और ख़ासतौर से अगर हम एक पैंडमिक के बाद की सूरत देखें तो सूरत हाल इस पूरे सेक्टर की बहुत ज़्यादा बदल गई है। भले ही आप वो लोन प्रणाली को लेकर बात कहें या डिपॉजिट्स को लेकर बात कहें, बैंकिंग के तमाम पहलुओं में हमने बदलाव देखा है, लोगों की, खाताधारकों की, कंज्यूमर्स की माइंडसेट में बदलाव देखा है। लेकिन ये जो अनिश्चितताएं सामने आई है, ये क्या इसी विस्तार का एक साइड इफेक्ट है और क्या समय पर आके आरबीआई ने पकड़ा है, क्या कैसे इसको आप समझाएंगे? हाँ, देखिए, दो चीजें आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। अगर आप ये सारे बैंक जिसके ऊपर रोक लगाई गई थी आरबीआई के द्वारा, तो आप उसमें देखेंगे दो हिस्सों में बट जाते हैं। पहला हिस्सा ये है कि जहां पे टेक्नोलॉजी के आउटेजेस हुए हैं, जहां पे टेक्नोलॉजीज के और पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि जहां ऑनलाइन पेमेंट्स का सवाल होता है या तो ऑनलाइन बैंकिंग का जहां पे सवाल होता है, टेक्नोलॉजी आउटेजेस जो है वो शायद आरबीआई को मंजूर नहीं है। तो ये हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि एक बड़ी वजह ये है, आउटेजेस या तो टेक्नोलॉजी नॉन सपोर्टिव, जो कस्टमर को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि बैंकिंग एक, मतलब
इंटरकनेक्टेड एक सेक्टर है। जैसे मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक उसका जो 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 एक हिस्सा होता है वो एक बैंक के साथ होता है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, दूसरे अगर दूसरे अकाउंट में किसी का खाता हो तो दूसरे बैंक के साथ में जुड़ा होता है। अगर उस टाइम पे आउटेजेस होते हैं तो सिस्टम के लिए काफी डिफिकल्टी, सिस्टमिक चैलेंजेस बन जाते हैं। तो ये एक खास वजह थी। हम एक और दो जगह पे देखा, जैसे पेटीएम बैंक में हमने देखा, तो वहां के जो रोक को अगर आप ध्यान से देखें, उसके ऑर्डर को भी अगर ध्यान से पढ़ें, तो वहां कारण जो है वो ज्यादा करके केवाईसी के मामले में था। वो एक बिल्कुल अलग सा था और वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा गंभीर रूप भी ले सकता था, क्योंकि केवाईसी अगर किसी का वीक है और अगर आप किसी मतलब ग्राहक को अंदर एडमिट कर लेते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ही ड्रग्स और टेररिज्म का प्रॉब्लम एक नेशन के सामने, देश के सामने खड़ा होता है। तो बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल जो है, मैं ये नहीं कहता कि उस बैंक में ये हुआ होगा, ये तो समय आने पर बताएगा, पर लेकिन अगर कहा जाए केवाईसी वीक है तो वहां पे तो मतलब बिल्कुल आरबीआई कड़ी नजर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस मामले में ये सोचना चाहिए कि कोविड के बाद में इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड बैंकिंग और जहां तक मतलब घर बैठे बैठे बैंकिंग डोर स्टेप पे या डोर विद इन द डोर्स आपकी जो बैंकिंग है उसका एक महत्व खास बढ़ गया है। तो जो पहले के हमारे तरीके थे जिसमें हम लोग बैंक को चूज करते थे, जैसे किसी के घर के पास में उसका ब्रांच है तो वो चूज करेगा, किसी के घर के पास में उसका लॉकर है तो वो बैंक को चूज करेगा, वो सारे जो फैक्टर्स जो हैं सारे बदल गए हैं। तो अगर बैंक को चूज करना है किसी को, तो मैं जैसे बाद में भी आऊंगा इसके बाद में कि बहुत सारे चीजें इंपॉर्टेंट बनती जा रही है, पर जिस बैंक में आपका केवाईसी अगर वीक है, जैसे आपने महसूस किया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह का, कहीं पे भी वो बैंक रिलैक्सेशन कर रही है, उस बैंक में तो आप जाइए ही मत करके। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस पहलू पर हम थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे अश्विन सर। लेकिन हेमंत, टेक्नोलॉजी जब भी विस्तार करती है उसके साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, ठीक है। अब अगर हम पूरे दुनिया में एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हमारे आगे कोई ना टिक सके, तो इस तरह के लूपहोल्स आना क्या वाजिब है? और अगर ऐसा है तो हम इसको पहले से क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों हम मैं वित्तीय संस्था के लिहाज से ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप इतनी आपकी विस्तार योजनाएं जो हैं वो अडिग हैं, उस पर आप अमल कर रहे हैं, लेकिन एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, हमें क्यों रेगुलेटर का इंतज़ार करना पड़ा, उसके इंटरवेंशन का इंतज़ार करना पड़ा? क्यों यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि धोखा हुआ है आपके खाताधारकों के साथ, ऐसा क्यों? सो कविता, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी कोई भी पर्पस के लिए बेस्ट चीज़ है। सो टेक्नोलॉजी कम तो नहीं होगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा ही होगा, और टेक्नोलॉजी एक रिलेटिवली नई चीज़ है। इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आने बाकी हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना उसको अभी भी बाकी है। रही रेगुलेटरी एक्शंस की, देखिए एक नया वेव शुरू हुआ है स्पेशली कोविड के बाद, जहां पे ज़्यादातर फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है आपके, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ डिजिटाइज होते जा रहे हैं, और प्रोसेसेस में कहीं ना कुछ हो सकता है, कुछ कमी हो। और ये अज्यूम करना आई थिंक गलत होगा कि टेक्नोलॉजी आते साथ सब कुछ सुधर जाएगा। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ें ग्रेजुअली सुधारी जाएंगी। इसमें कविता, अगर आप सारे नोटिफिकेशंस और प्रेस रिलीजेस को देखें ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स, इसमें चार आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आरबीआई के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इसका एक रीसेंट एग्जांपल है आपका जो फेयर प्रैक्टिस अराउंड इंटरेस्ट एंड चार्जेस, वो अभी अप्रैल 29 को ही आरबीआई ने रिलीज किया कि आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं लोन पे। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी, आपको चार्जेस को लेके फुली ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है अपने कस्टमर्स के साथ, और कॉन्स्टेंटली आपको कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आरबीआई ने उस पर भी कई रूल्स निकाले हैं। तीसरी बात है चॉइस, लोगों को चॉइस दिए जा रहे हैं बहुत सारे, और आरबीआई ये भी कह रहा है कि चॉइस तो दीजिए पर आप ऐसे किसी अग्रीमेंट में मत जाइए जहां पे आप वो चॉइस नहीं दे पा रहे हैं कंज्यूमर को। ये क्रेडिट कार्ड्स के लिए आई थिंक सच है, जहां पे कुछ बैंक्स ने कुछ नेटवर्क्स के साथ, पेमेंट नेटवर्क्स के साथ एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स बना लिए थे और उनको फिर
रुपए ऑफरिंग्स देने में दिक्कत आ रही थी, ये जस्ट एक एग्जांपल है। और चौथी बात है रिस्क मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी, और इसमें भी आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि एनपीएस जो हैं कंट्रोल में रहे, रिस्क कंट्रोल में रहें। और कविता आपने जो बात कही लूप होल्स की, देखिए आरबीआई का आप उनके नोटिफिकेशन की हिस्ट्री देखें तो एक चीज क्लियरली दिखती है कि रेगुलेटर को जुगाड़ नहीं पसंद है। अगर कानून बनाया गया है तो आप उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करिए, आप ग्रे एरियाज मत ढूंढिए, आप लूपहोल्स मत ढूंढिए। अश्विन सर ने काफी सारे एग्जांपल्स दिए, इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हैं जहां पे कुछ कंपनीज उन ग्रे एरियाज में ऑपरेट कर रहे थे, पर आरबीआई ने अब आके बहुत क्लियर कर दिया है कि आप इन ग्रे एरियाज में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, आपको रेगुलेशन पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है टेक के साथ, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट धीरे 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 बनाना पड़ता है एंड इट हैज टू बी गुड इनफ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो आप वो प्रयास आप देखते रहेंगे आरबीआई की तरफ से। कविता बिल्कुल, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही है कि आरबीआई के प्रयास के चलते जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है या जो अकाउंट होल्डर का सेंटिमेंट है अश्विन सर, वो तो इम्पैक्ट करता ही है ना। जब इस तरह की खबरें आती हैं, मैं स्टॉक रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हम देखते ही हैं, तुरंत पड़ता है। लेकिन उसके अलावा जिस बैंक में आपका खाता है, जिस बैंक के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके जहन में ये सवाल आता है कि अरे ये बैंक क्या मेरे लिए सुरक्षित है या नहीं, है ना। एक खाता धारक होने के नाते ये सवाल हमारे जहन में आना कितना वाजिब है और इसका निवारण क्या होगा, क्या होमवर्क करना होगा, क्या क्या तैयारियां हमें करनी चाहिए अपनी तरफ से किसी बैंक का चुनाव करने से पहले। अश्विन सर देखिए दो चीजें हैं, जहां तक आप एक इन्वेस्टर हैं किसी भी बैंक के, जैसे आपके पास में उसके शेयर्स हैं, तो उसमें तो मैंने आमतौर पर देखा है इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद में कि एक नी जर्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं कि एक फॉरन एक तुरंत का एक 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 इम्प्रेशन या एक 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 तरह का माहौल बन जाता है और जिसमें लोग मतलब थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस गवा देते हैं। पर मेरे ख्याल से लॉन्ग या मीडियम टर्म में अगर आपकी बैंक, जैसे बड़े बड़े नाम आए हैं हमारे सामने, HDFC बैंक है या कोटक बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये बड़े नाम हैं और ये मतलब अपनी रेपुटेशन की ज्यादा कदर करते हैं, दे वरी मोर अबाउट द रेपुटेशन। तो उनके इन्वेस्टर के तौर पे तो कोई मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़े समय में वापस बैंक्स अपना टेक्नोलॉजी का जो 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 नेसेसरी स्ट्रेंथनिंग करना होता है वो कर लेता है और वापस मतलब एज यूजुअल बिजनेस उनका शुरू हो जाता है। जहां तक मतलब कोई ज्यादा गंभीर मामला हो तो बात अलग है, तो वहां पे तो इन्वेस्टर को पहले से ही समझ लेना चाहिए कि मतलब मेरी बैंक जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां पे इस तरह का आरबीआई का ऑर्डर आया है जो मतलब टेक्नोलॉजी से हटके बहुत सारी चीजों में है जो फुलफिल करना मेरी बैंक के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक सवाल हुआ। जहां तक आप मतलब एक डिपॉजिट होल्डर या लोन एक बोरोअर है, उसमें भी देखो आपको ये देखना जरूरी है, एक बोरोअर के हिसाब से आपको कई बार देखा है आपने कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जैसे बहुत सारा मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो होता है वो कहीं पे मतलब एकदम फाइन प्रिंट में कहीं लिखा होता है और उसमें आप पकड़े जाते हैं, मतलब बैंक फिर बाद में आपको बताता है कि नहीं आपने तो बैंक के साथ में लोन लेने के साथ में इंश्योरेंस खरीदने का वादा किया था, या तो आपने तो ऑलरेडी उसका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, आपने कहीं चार जगह पे साइन कर लिया, आपको पता नहीं आपने कहाँ सिग्नेचर करी। तो इन सारे जो मामले हैं जैसे रेगुलेटर के सामने आते हैं और पता चलता है कि एक बैंक की ये प्रैक्टिस बन जाती है, ये मुश्किल नहीं है समझना। आप ऑटोमेटिक एक बोरोअर के तौर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बैंक आपके साथ में किस तरह का व्यवहार करती है। कहीं जगह पे आपको एक हल्का सा एक आपके पास से प्रॉमिस ले लिया कि जैसे आप यही चीज खरीदोगे या वही चीज खरीदोगे, तो इन चीजों में बोरोअर को बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आई वुड से दोनों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए डिपॉजिट ऑर्डर और बोरो के लिए, एक रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंडिंग आरबीआई ऑर्डर्स, क्या उसमें आरबीआई बताता है, ये सारा बहुत जरूरी बन जाता है मेरे हिसाब से। भी आपने तैयारी करवाई हमारे दर्शकों को जहां तक एक बैंक के चुनाव की बात है, हेमंत आप क्या कहेंगे, वही सवाल आपको। देखिए जहां तक इक्विटी निवेश की बात है, मार्केट का ऊपर नीचे होना ये तो दैट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपको वो रिस्क नहीं पसंद है तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मे बी आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर हैं।
तो ये मैं इंडिविजुअल बैंक्स पे मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उनका कैसा परफॉर्मेंस है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं, क्या रेगुलेटरी इश्यूज हैं, ये तो हर बैंक अलग अलग तरीके से इन चीज़ों से निपट रहे हैं। पर रिस्क तो होगा, अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो रिस्क होगा, मार्केट्स ऊपर नीचे जाएंगे, आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको वो लॉन्ग टर्म आपको अपने गोल सेट करने चाहिए, समझने चाहिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आप सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में आपने स्पेशली बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा हो, तो आपको सेक्टोरल रिस्क कम करें। डाइवर्सिफाइड इक्विटी हमेशा मतलब लॉन्ग टर्म में एक एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा निवेश विकल्प है। सो आपको निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड, आपको इन 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 ऑप्शंस के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आपके रिस्क जो हैं डाइवर्सिफाइड रहें, आपका नुकसान होने का चांस कम रहे। और मैं एक पॉइंट और ये भी कहूँगा, बैंक्स कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, आप इनका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, आरबीआई का डेटा देखेंगे, तो सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 10 साल पहले जैसे एनपीएस के रिस्क थे, इनफैक्ट 5-6 साल पहले भी कुछ बैंक्स पे इस तरह के रिस्क आए थे, बट आरबीआई ने उन सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और डिपॉजिटर्स का पैसा डूबने से बचा लिया। मैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट और रखना चाहूँगा आपके सामने, वो ये कि देखिए ऐसे भी बैंक्स हैं जिनके बैंकिंग लाइसेंसेस कैंसल्ड होते रहते हैं। हर साल आप कुछ ना कोई बैंक देखेंगे जिसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, और ये टिपिकली अर्बन कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो आपको वो थोड़ा डिस्टिंक्शन करना चाहिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और थोड़े रिस्की जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके बीच में। और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ है, हमें कोई इमीडिएटली इस तरह के कोई रिस्क नहीं दिख रहे हैं कि आपको वहाँ पैसा नहीं रखना चाहिए और आपको मतलब घर में किसी तिजोर में अपने पैसे रखना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है। बैंकिंग तो अभी भी स्टेबल है, बहुत रोबस्ट है, और आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। और कहीं रिस्क आएंगे तो आरबीआई तो प्रोएक्टिवली इन पर काम कर ही रहा है, विच वही चीज़ हमने अभी अभी डिस्कस की कि क्यों आरबीआई ने इतने सारे एक्शंस लिए। आरबीआई को जहां पे भी रिस्क दिखाई देता है, आरबीआई प्रोएक्टिवली वो काम करके रिस्क कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपका पैसा सेफ है इन बैंक्स में। कविता, आरबीआई जैसा रेगुलेटर है तब तक आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर आप एक निवेशक हैं इन तमाम कंपनियों के स्टॉक्स में, तो शायद आपको इनका ट्रैक रखना ज़रूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार शो का आखिरी पड़ाव जहाँ पर निसरीन मामा जी हमारे साथ जुड़ेंगी और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। ब्रेक के बाद